राम राम सभी को। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के न्यू ब्लॉग की वीडियो में, जो कि होने वाली है बहुत ही खास, जो कि है माता वैष्णो देवी की। अब आप लोग बोलेंगे खास क्यों होने वाली, तो खास वो आपको पता चलेगा वीडियो में कि क्यों खास होने वाली है। और आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि माता वैष्णो देवी के ब्लॉग हमने देखे हैं तो इसमें कुछ खास क्यों होने वाला, तो वो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप लोगों ने माता वैष्णो देवी की यात्रा की होगी या जिन लोगों ने नहीं की होगी तो उन लोग बता दूं, क्योंकि एक नया रास्ता बनाया गया है माता वैष्णो देवी के लिए जो कि न्यू मार्ग है। और उस न्यू मार्ग के बारे में अभी अधिकतर कम ही लोग जानते हैं और बहुत ही कम यूट्यूब पर वीडियो है। मैंने सर्च भी किया है न्यू मार्ग के बारे में, बहुत ही कम वीडियो हैं यूट्यूब पर। तो उसी से रिलेटेड एक ब्लॉग बनाया, बहुत ही ज़बरदस्त, जितनी भी खास लोकेशन है, जितनी भी बढ़िया चीज़ें हैं देखने लायक और रास्ते की, सभी जानकारी देने का प्रयास किया है। एक से एक बढ़िया जो छोटी से छोटी चीज़ है उस रास्ते की, वो सब दिखाने का प्रयास किया है। इसीलिए खास होने वाला है और बहुत ही सारी खास चीज़ें जो हैं वो वीडियो के अंदर हैं, तो वीडियो को जरूर देखेगा, लास्ट तक देखेगा, मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन वाला ब्लॉग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा और अच्छी लगे तभी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर पहली बार जुड़े हैं, और बताइएगा कौन सा पार्ट अच्छा लगा वीडियो में। तो चलिए घंटे और 650 किलोमीटर का सफर करने के बाद हम पहुंच गए हैं फाइनल डेस्टिनेशन, जो कि है ग्रेट ग्वाया से कटरा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मुगल पीछे दिखाई दे रहा है, पहाड़ मतलब तैयारी है, होटल जाने की गाड़ी आ चुकी है। इसी के बाद करते हैं वहाँ पर एक बात खास, आप लोगों को अजीब लगेगा थोड़ा सा, जैकेट्स पहन रखी है हमने, जैकेट्स क्यों पहन रखी है क्योंकि बहुत सामान देखिए ठंड लग रही है, बाइक का पूरी ठंड लग रही है, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रखा है यहाँ पर। और अब देखते हैं आगे क्या हिसाब होने वाला है, फिलहाल चलते हैं होटल, होटल की वीडियो भेजते हैं आपको, होटल में बनाते हैं वीडियो, फिर चलते हैं आगे यात्रा करेंगे, चढ़ाई करेंगे। बेहतरीन वीडियो आने वाली है तो पूरी वीडियो देखेगा, और बस क्या ही बोलूँ, ऐसी वीडियो किसी ने आज तक बनाई नहीं होगी जैसे हम बना कर लाएँ, वीडियो देखेगा और कुछ कुछ पार्ट डालूंगा वहाँ की वीडियो में, बाकी सारी जो है अलग वीडियो सेपरेट उसका लिंक दे दूँगा मैं चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल चलते हैं उनके बाहर, गाड़ी वाला वेट कर रहा है, फोन पर फोन कर रहा है, चलते हैं फिलहाल गाड़ी वाले। है व्यू कटरा स्टेशन से सीधे बाहर निकलने के बाद का, भाई वाह, ये है जहाँ पे हमें जाना है, ये है वो पहाड़, ये है कटरा रेलवे स्टेशन, गजब गजब, इधर से व्यू देखिए, मौसम देखिए और फिर हमारे हालात, ठंड और सर्दी बहुत जबरदस्त है भाई साहब, गजब कब कभी छूट रखी है। ये रहे इसके राणा जी ठंड में कांपते हुए, ये अक्षय गर्ग, आ जाओ चलो गाड़ी की तरफ चल रहे हैं, गाड़ी वाले को फोन करो, फिलहाल अभी हम जा रहे हैं गाड़ी में, गाड़ी वाले को देखते हैं फिर जाएंगे होटल, होटल में कुछ खाएंगे पियेंगे नहाएंगे धोएंगे, आपसे पूरी रात ट्रेन में नींद भी नहीं आई है, चलिए चलते हैं होटल। जो है गाड़ी हमारी आ चुकी है, ये है हमारे ड्राइवर सर, अब जा रहे हैं होटल की तरफ, होटल में जाएंगे वहाँ का दिखाएंगे व्यू कैसा है होटल, होटल का नाम है होटल माउंट व्यू। रखो भाई सारे सामान फटाफट, काफ़ी वेट करना पड़ा है गाड़ी के लिए, लेकिन फाइनली आ चुकी है गाड़ी, अब हम जाएंगे सीधा यहाँ से होटल।
फाइनली आ गए हैं होटल पर। ये है होटल, चलते हैं अंदर। सारा सामान ले लिया, बैग है अभी इसमें। कर लेते हैं होटल में एंट्री। ठीक ठाक लग रहा है होटल तो फिलहाल। रूम में एंट्री कर चुके हैं हम और अब तैयारी कर रही है। लाओ चलो भाई लाला धाम। ये लड़का देखो कल से दिन आया, कल यहाँ पर भी आके बिना नहाया आ गया। तो अब नहाने धोने की तैयारी कर रहे हैं, फिर जाएंगे ऊपर, ऊपर का व्यू दिखाएंगे आप लोगों को। बहुत होटल भी है, कमरा भी है जबरदस्त, और अब व्यू तो मौसम तो जबरदस्त हो ही रहा है, बहुत ही बेहतरीन वाला। चलते हैं ऊपर, जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। वीडियो देखेगा पूरी, पूरी नहीं देखेंगे तो अपना ही नुकसान कर पाएंगे। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन व्यू, 20 साल का एक्सपीरियंस है। 20वीं बार पे आया हूँ, इस बार सोचा एक ब्लॉग बना ले बढ़िया सा, तो इस बार ब्लॉग बना रहे हैं। 20वीं बार का एक्सपीरियंस पूरा। एक सी ऐसी ऐसी जगह दिखाई जाएंगी जो आपने देखी नहीं होंगी, यहाँ पर आप देखेगा बहुत ही बेहतरीन जगह देखने को मिलेंगी। व्यू मिलेंगी, लोकेशन के साथ मिलेंगी सारी, जो लोकेशन है, जो भी व्यू पॉइंट है, सभी की लोकेशन मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नाश्ता वगैरह कर करा के सारी चीज़ से फिट होने के बाद अब निकल चले हैं, अब नहा धोकर यात्रा के लिए गाड़ी का वेट कर रहे हैं बाणगंगा तक। हमें होटल की ही गाड़ी छोड़ेगी, ये पीछे होटल माउंट व्यू, इनकी हमें गाड़ी छोड़ेगी, उसके बाद फिर हम यहाँ से यात्रा चालू करेंगे बाणगंगा से। तो चलिए फिलहाल करते हैं गाड़ी का वेट। फिलहाल जो आप व्यू देख रहे हैं वो है यात्रा का पहला पड़ाव, यहीं से होगी एंट्री, यहीं पर आपके बैगों की चेकिंग वगैरह होगी। अगर आप लोग पहले आए हुए होंगे तो आप लोग जानते होंगे, इतना मैं बता दूँ। ये है सबसे पहला पड़ाव, यहीं से स्टार्ट होती है यात्रा, और यहीं पर आगे जाकर होगी सामान की चेकिंग, आपके सारे सामानों की। आप कुछ धूम्रपान बोलते हैं शायद, स्मोकिंग वगैरह की चीज़ या गुटखा तम्बाकू तो नहीं लेके जा रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ों की यहाँ पर चेकिंग होगी, उसके बाद आपको आगे जाने दिया जाएगा। चलिए फिलहाल करा लेते हैं चेकिंग लाइन में लग के, फिर आगे की बनाते हैं वीडियो। फिलहाल चेकिंग वगैरह कराने के बाद हम आ गए बाहर, मिल गई है एंट्री, आगे की तरफ चल रहे हैं। अब आगे आगे दिखाएंगे आप लोगों को क्या ही बेहतरीन नज़ारा। फिलहाल यहाँ पर पीछे दिखाता हूँ, यहाँ सबसे परेशान करने वाली चीज़ जो होती है, सबसे परेशान करने वाली चीज़ आप देख रहे हैं खच्चर, ये चलने नहीं देते हैं। लेकिन इस बार हम बिल्कुल न्यू रास्ते से जाएंगे जहाँ पर खच्चर वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नए वाले रास्ते का इस्तेमाल करेंगे इस बार, तो इस तरह की समस्याओं से बच जाएंगे। बहुत ज़्यादा गंदगी भी होती है, स्मेल भी बहुत ज़्यादा गंदगी आती है यहाँ पर, इसलिए नए रास्ते का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको आगे रास्ते में दिखाऊंगा, अभी कुछ लोग जो हैं जो नए रास्ते से कभी नहीं गए और जाना चाहते हैं, तो उनके लिए दिखाऊंगा कि कहाँ से नया रास्ता स्टार्ट होता है और किस प्रकार आप वहाँ से जा सकते हैं। ये देखिए इधर है गुलशन कुमार का भंडारा, यहीं से नया रास्ता जाते हैं। तो आप सामने रास्ता देख रहे हैं, यही है नया वाला रास्ता, ये ऊपर है पुराने वाला रास्ता। लेकिन जब आप गुलशन कुमार के भंडारे की तरफ आएंगे, ये नीचे जाता है रास्ता भंडारे की तरफ, लेकिन ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ये वाला, ये है न्यू मार्ग। इसी मार्ग की इस बार आपको पूरी यात्रा दिखाएंगे, इस मार्ग का कैसे इस्तेमाल करके क्या क्या सुविधाएं हैं इस मार्ग पर, और क्या क्या बेहतरीन तरीके से बनाया गया, बिल्कुल सुंदर। और व्यू पॉइंट जो है यहाँ पर, जो फ़ोटो वगैरह खींचने के हैं, उनके व्यू पॉइंट की वीडियो बनाएंगे एक एक करके, सभी व्यू पॉइंट की लोकेशन भी दिखाएंगे आप लोगों को। और दूसरा जहाँ पर आप फ़ोटो ले सकते हैं उस जगह की लोकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आप अगर आपको व्यू पॉइंट पसंद आ रहा है तो आप वहाँ पर आ सकते हैं और फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। फिलहाल मौसम बड़ा बेहतरीन हो रहा है, समय क्या हुआ है, समय हुआ है 1:12, और धूप कहीं है नहीं, बादल ही बादल हैं। दिखाऊँ रहे बादल सर के ऊपर, इन्हीं बादलों में ऊपर जाना हमें इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए। ये है बाणगंगा, जो कि पुराने वाला रास्ते आपने देखी होगी, लेकिन यहाँ ये नए वाले रास्ते सिर्फ बीच में पड़ती है। वैसे कोई यहाँ पर नहाने धोने का कोई इतना साफ सुथरा हिसाब नहीं है, जहाँ ये लोग नहा रहे हैं पीछे से बहुत ज़्यादा गंदगी आ रही है, इसलिए मैं यहाँ अगर मैं सलाह दूँ तो यहाँ मत नहाइएगा प्लीज़, चाहे किसी टंकी पर नहा लीजिएगा पर बाणगंगा में मत नहाइएगा। धार्मिकता और क्या बोलते हैं उसको मैं भूल चुका हूँ, धार्मिकता अपनी जगह पर है, आस्था अपनी जगह पर है, लेकिन साफ़ सफाई अपनी जगह पर है, पीछे बहुत गंदा पानी है, तो इसलिए यहाँ मत नहाइएगा। फिलहाल चलते हैं आगे, जहाँ से इस नए वाले रास्ते की जो स्टार्टिंग शुरू होती है
वहाँ पर चलते हैं, लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है वो, तो वहाँ जाकर दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से यात्रा शुरू होती है। तो ये है भैया जो मैं अभी सामने दिखाने वाला हूँ आपको, नए वाले रास्ते पे पड़ने वाला पहला चेक पॉइंट। मैं दिखाता हूँ, स्क्रीन पलट दिया मैंने, अब देखिए आप, ये है पहला चेक पॉइंट नए वाले रास्ते का, न्यू मार्ग नाम पढ़ लीजिए, न्यू ट्रैक ताराकोट मार्ग। यहाँ पर आप लोगों की चेकिंग होगी, उसके बाद ब्लॉग में ना मतलब मजा आ जाएगा, एक एक चीज दिखाऊंगा, एक एक चीज दिखाने वाला हूँ, 20 बार का एक्सपीरियंस है, मजा आ जाएगा लोकेशन के साथ। ये देखिए इस वाले मार्ग पर ट्रैक्टर भी चल जाते हैं गाड़ी। ये है एंट्री गेट। फिलहाल हालात ये हैं, जब चले थे तो जैकेट वैकेट पहन के टंच होकर चले थे, अब करंट के हालात ये हैं कि टी शर्ट उतारने का भी मन कर रहा है। और ये हमारे साथी जो एक नया जुगाड़ लगाए हुए हैं, उल्टे चल रहे हैं, अभी नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं चाचा हमारे, दोनों का नाम ही अक्षय है, दोनों ही बनिए हैं, तो दोनों अपना दिमाग लगा रहे हैं बढ़िया वाला, पैसे कमाने की जगह अब चलने में। एक बार फिर से कह रहा हूँ कि वीडियो पूरी देखेगा, बहुत ही मजा आने वाला है, जबरदस्त व्लॉग होने वाला है, आज तक शायद ना ही देखा हो, और नए वाले रास्ते का तो शायद कम ही लोगों ने बनाया होगा जिन्होंने बनाया होगा। 20 बार का एक्सपीरियंस है और लगभग 7 बार का नए वाले रास्ते का एक्सपीरियंस है, तो आपको एक एक चीज बढ़िया तरीके से दिखाने वाला हूँ। वीडियो में जुड़े रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। इस वाले रास्ते की सबसे खास बात यह है कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, अभी आएगा एक मेरे पीछे देखिएगा, आवाज तो आ रही होगी आपको, नहीं वाला रास्ता। अगर बात करें इस वाले नए वाले रास्ते की, न्यू मार्क की, तो इस रास्ते की कुछ खामियां भी हैं तो कुछ अच्छी बातें भी हैं। खामियां ये हैं कि इस रास्ते पर जब आप चलेंगे तो आपको थोड़ा अकेलापन सा महसूस होगा, क्योंकि बहुत ही कम लोग इस मार्ग का भी इस्तेमाल करते हैं, नया मार्ग है, वैसे तो 7-8 साल के करीब हो गए हैं इस मार्ग को बने, लेकिन अभी भी कुछ लोग थोड़े से परहेज करते हैं इस रास्ते पर निकलने का, पता नहीं क्यों, शायद चहल पहल के कारण, क्योंकि चहल पहल इस रास्ते पर कम है। लेकिन इस रास्ते की सबसे बड़ी बढ़िया जो खास बात है जो मुझे लगती है, और मैं इस रास्ते को क्यों चुनता हूँ, वो इसलिए चुनता हूँ क्योंकि अगर आप पुराने वाले रास्ते पर कभी गए होंगे या कभी जाएंगे तो देखिएगा वहाँ पर खच्चर वगैरह और जो पालकी वाले होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं रास्ते में, बहुत ही ज़्यादा नाक में दम कर देते हैं साइड साइड करके, कभी कभी तो चोट भी लग जाती है, घोड़े का पैर रख जाता है पैदल चलने वालों के ऊपर, तो उस चीज़ की एक राहत है इस वाले रास्ते पर, आराम से चलिए अपने इन्जॉयमेंट करते हुए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। और दूसरा, इस वाले रास्ते की सबसे बढ़िया खास बात है व्यू पॉइंट जो है बहुत ही बढ़िया है इस वाले रास्ते के, तो आपको मेरा प्रयास और मेरा जो विचार है इस वाले रास्ते को लेकर कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, बहुत ही बेहतरीन वाले ब्लॉग भी आने वाले हैं चैनल पर यहीं से रिलेटेड, वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी से रिलेटेड, तो वीडियो को देखिएगा जरूर, पूरी वीडियो को चैनल पर सर्च करके आप देख सकते हैं, बेहतरीन एकदम एक से एक। अभी हम एक जो वीडियो की ट्राई कर रहे हैं, दो वीडियो के ऊपर बात कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं हम फिलहाल, जो कि है एक तो व्यू पॉइंट, इस पूरे रास्ते में जितने भी व्यू पॉइंट आएंगे उनकी अलग अलग पर्टिकुलर वीडियो बना रहे हैं हम, उसको एक सेपरेट वीडियो में अपलोड करेंगे। अगर आप फोटो वगैरह खिंचवाना चाहते हैं और व्यू पॉइंट देखना चाहते हैं इस रास्ते के, तो वो पूरी एक सेपरेट वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो का इस्तेमाल करते हुए व्यू पॉइंट देख सकते हैं, क्योंकि उन व्यू पॉइंट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि उस जो भी व्यू पॉइंट आप देखेंगे सीरियल वाइज लगाए हुए हैं सारे व्यू पॉइंट, और दूसरा उनकी लोकेशन भी साथ में दी गई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वीडियो को जरूर देखिएगा व्यू पॉइंट, क्योंकि फोटोग्राफी अधिकतर लोग करना ही चाहते हैं। गजब। और ये सामने जो आप देख रहे हैं वो है, अभी मैं थोड़ा सा व्यू साफ क्लियर व्यू में दिखाऊंगा, ये है यहाँ पर जो व्हाइट कलर में आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग है लंगर, देखिए ये तो व्यू पॉइंट हो गया आपका सारा, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, अपने फैमिली के साथ आए हैं किसी के साथ आए हैं तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, किसी भी कर सकते हैं, और ये सामने है लंगर, आप यहाँ पर खाना खाइए, रिफ्रेश होइए, कुछ भी कीजिए, यहाँ पर अच्छी खासी सुविधा है यहाँ पर, और बहुत ही साफ सफाई के साथ यहाँ पर अच्छा कार्य होता है, भोजन कर सकते हैं आप, देखिए थोड़ा सा क्लोज दिखाऊंगा, फिर अगर अंदर
वीडियो बनाने की परमिशन मिलेगी तो कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि अंदर भी आपको लेकर जाऊं कैमरा के साथ। फिलहाल हम यहां पर भोजन जरूर करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये है बिल्डिंग लंगर। इसका भी जो लोकेशन लिंक है वो आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वैसे अगर आप नए रास्ते से आएंगे तो आपको तो ये साफ साफ दिखाई दे ही जाएगा। ये है व्यू पॉइंट, देखिए यहाँ पर आप बैठ सकते हैं फैमिली के साथ। क्या बेहतरीन व्यू पॉइंट, स्विमिंग पूल में नहा लीजिए, बाहर आने का इंतजाम कर लीजिएगा, हम तो निकालेंगे नहीं। फिलहाल चलते हैं अंदर लंगर के, करते हैं खाना पीने का इंतजाम, प्रसाद ग्रहण करते हैं। फिलहाल प्रसाद ग्रहण कर लिया और प्रसाद खाते खाते, खाना खाते खाते भाई साहब हालत ऐसी हो गई ठंड के मारे कि हाथ चलने बंद हो गए। बचा कुचा फिर बर्तन धोए, जिन बर्तनों में हमने खाना खाया वो यहाँ पर धोए। ये सारी यहाँ सुविधा है अपने आप ही धोने की, स्वयं सेवा। उसके बाद भाई जो हालत हुई ना कैड़े वाली, याद आ गया सब कुछ, नानी चाचा ताऊ सब याद आ गए। फिर तो शुक्र है यहाँ इस चीज़ का, मज़ा आ गया। अब मूँगफली चबा रहे हैं, थोड़ी सी दांत गीले कर लें, पर आनंद आ गया आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलेंगे अब आगे चलेंगे थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा यहाँ आग का आनंद लेंगे। काफ़ी समय हमारे पास, क्योंकि 3 घंटे अभी मैसूर होने में लगभग, और हम लगभग 2 से 4 किलोमीटर दूरी हैं सिर्फ अर्धद्वारी माता के मंदिर से, तो कोई भी हमें कोई जल्दबाजी है नहीं, आराम से जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर थोड़े से हाथ ताप लेते हैं। फिलहाल भैया ठंड के मारे बन गई है कुल्फी, निकल चुके हैं लंगर से, आगे की यात्रा प्रारंभ कर दी है, स्टार्ट कर दी है। और हमारे लाला जो है ये सांप के कोचली पहनकर बिल्कुल सांप बन चुके हैं, इनको ठंड नहीं लग रही थी, थोड़ी देर बाद ये भागने लगे। टोपा भी है क्या अक्षय भैया, क्या कहना चाहेंगे? तो आपका थोड़ी देर पहले तक ठंड नहीं लग रही थी और आप फिर टोपा भी मांगने लगे थोड़ी देर बाद, तो क्या अनुभव रहा आपका यहाँ का? क्या इसमें वीडियो में देख के बोलिए भाई साहब। चलिए खाने के बारे में बता दीजिए, प्रसाद कैसा था? बहुत ही बहुत बढ़िया। आप ठंड के बारे में बता दीजिए, ठंड कैसी थी? भाई भाई साहब स्वाद आ रहा है ठंड में। हमारे एरिया में मेरठ उत्तर प्रदेश में ठंड अभी दो से तीन महीने बाद आएगी, लेकिन यहाँ ठंड का अनुभव यही मिल चुका है, बहुत ही कैड़े वाली ठंड का अनुभव, मजा आ रहा है। वीडियो में जुड़े रहिएगा, बहुत ही बेहतरीन वाले व्यू आने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया व्यू ब्लॉग बनने वाला है ये। अब हम चल रहे हैं फिलहाल अर्धकुंवारी माता के मंदिर के लिए, जो कि लगभग यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर है। फिलहाल हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ नए वाला रास्ता और पुराने वाला रास्ता दोनों लिंक होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट करूँगा, आप मेरे पीछे जो है हम इस वाले रास्ते से दिखा देता हूँ, ये वाले रास्ते से हम आए हैं, ये है नए वाला रास्ता आप देख सकते हैं। और अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ ये है पुराना रास्ता, और ये दोनों आकर यहाँ पर ये दोनों रास्ते लिंक होते हैं। आप जिन भक्तों को जाना है अर्धकुंवारी, वो इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए ऊपर होते हुए अर्धकुंवारी माता के मंदिर में जा सकते हैं, और जो सीधे माता के भवन पे जाना चाहते हैं वो है रास्ता ये सीधा, इससे होते हुए सीधा ऊपर जा सकते हैं जो सीधे माता के भवन जाना चाहते हैं। तो ये थे दोनों रास्ते जो लिंक होते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कुछ लोग जो भटक जाते हैं उनके लिए। पूरी सुबह की पूरी रात आराम करने के बाद अब फिलहाल हम निकल चुके हैं, फिर से नाश्ता वास्ता कर लिया है, अर्धकुंवारी साहब दर्शन करेंगे। पूरी रात मैच देखा, पर थोड़ा दुख हुआ कि पाकिस्तान जीता, लेकिन फिलहाल हम निकल चुके हैं। और ये 3 जमूरे सकल दिखनी दिखेगी तो है नहीं, पीछे से सूरज आ रहा है।
फिलहाल आगे की यात्रा कर चुके हैं हम, शुरू धूप निकल चुके हैं जबरदस्त वाली, आप देख सकते हैं क्या व्यू आ रहा है एकदम जबरदस्त। धूप कल तो तरस गए थे धूप के लिए, अभी फिलहाल धूप आ चुके हैं, बढ़िया मौसम हो रहा है। जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे भवन पे पहुंचने की, भवन के आसपास के जो नज़ारे हैं वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी तो फिलहाल निकले हैं यहाँ से, देखते हैं आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। फिलहाल जिस चीज़ की पहली झलक के लिए हम लगभग 15 किलोमीटर ऊपर चढ़ के आए हैं, उस चीज़ की पहली झलक हम देख चुके हैं और मैं कैमरा शिफ्ट करने वाला हूँ, आप लोग भी देखेगा पहली झलक माता के भवन की। मैं करता हूँ कैमरा शिफ्ट, ये देखिए यहाँ से ये है, थोड़ा सा कैमरा क्लोज लेके जाता हूँ, ये है पहली झलक जो यहाँ से माता के भवन के दर्शन होते हैं। यह है माता का भवन, आप लोग देख सकते हैं सिर्फ इसी झलक के लिए अभी तक चढ़ाई कर रहे थे, अब इसको देखते देखते आगे बढ़ा जाएगा, अब पता नहीं चलेगा रास्ते का कि कहाँ पर चल रहे हैं, कितनी दूर रह गया, सिर्फ यहाँ से झलक हो जाती है, झलक दिखाई दे जाती है, उसके बाद तो बस रास्ता पूरा ही मानिए। और आप जो देख रहे हैं वो ये लाल रंग का जो टीन सेट देख रहे होंगे, साथ थोड़ा सा क्लियर नहीं आएगा लेकिन लाल रंग का जो टीन सेट है ये है माता की गुफा की तरफ जाने वाला रास्ता। चलते हैं, अब दर्शन तो करा दिए हैं पहली झलक के, फिर आगे चलते हैं पूरे प्रॉपर तरीके से दर्शन कराते हैं जहाँ तक कैमरा जा पाएगा, जहाँ तक होगा संभव। ये है उलन खटोला, ये आया ऊपर से, ये आया है जो पहले देखा था आपने वो गया था भैरव बाबा के लिए, और ये आ रहा है भैरव बाबा से ठीक नीचे बिल्कुल मेरे सर के ऊपर। कोशिश करेंगे इसकी वीडियो बनाने की अगर इसमें टिकट मिल पाया समय से ही। देखिए ये आ गई लिफ्ट सीधे नीचे, एक बार यात्रा कर चुका हूँ मैं इसके अंदर, कोशिश करेंगे इस बार भी यात्रा कर पाए, अगर लाइन ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो इसका भी एक छोटा सा वीडियो बना कर देंगे आपको। तो रिस्की बहुत है, डर लगता है भाई इसमें। चलो फिलहाल चाह रहे हैं हम दर्शन के लिए, तब तक भैरव बाबा के दर्शन बाद में ही होंगे तो इसका देखेंगे बाद में। अब ये आ रहा है ऊपर, देखिए कैसे चलेगा ऊपर की साइड, ऊपर जा रहा है यार, देखिए कितना रिस्क है भाई, मुझे तो सच में डर लगता है इसमें जब ये ऊपर की तरफ जाता है। ये क्या ऊपर, फिर इसके बाद जब ये ऊपर पहुंच जाएगा तो उसके बाद आएगा दूसरा नीचे। मैं जब लास्ट बार गया था तो इसमें नीचे से पूरा ऊपर जाने में टोटल समय लगा था 2 मिनट 57 सेकेंड के समथिंग लगा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है इसका फर्स्ट प्लेटफॉर्म। फिलहाल सुबह से चले हुए थे तो काफ़ी साथ के उनको भूख लगने लगी थी, हमारे लाला साहब हैं बहुत तेज भूख लगी थी उनको, यहाँ पर छोले भटूरे खाने थे तो उनकी यहाँ पर इच्छा पूरी हो चुकी है, छोले भटूरे उनके लिए आ गए हैं। नहीं आखिरी इच्छा तो नहीं है, लड़के की ऐसी कैसे बात कर रहा हूँ, चलो मैं दिखाता हूँ किस तरीके से वो खा रहा है लड़का छोले भटूरे। कैमरा करता हूँ सिर्फ छोले भटूरे लगा रखे, लिपटे पड़े हैं, छोड़ना मत बिल्कुल, एक प्लेट और खाइए मेरी तरफ से ठीक है। तो फिलहाल खा रहे हैं खाना आराम से भाई, आराम से हैं छोले भटूरे, अभी मैंने टेस्ट नहीं किया, मैं करूँगा, देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, अच्छे नहीं है भैया, कोई नहीं छीनना था भैया ने अपने कपड़े गंदे कर लिए हैं। फिलहाल चलिए खाना खा लेते हैं, उसके बाद जाएंगे दर्शन करने, फिर जाएंगे भैरव बाबा, दोनों जगह की। भैरव बाबा का जो व्यू है ना वो बेहतरीन वाला है, तो व्यू जरूर देखिएगा, उसको अलग से भी दिखाऊंगा, उसके लिए अलग से पर्टिकुलर वीडियो भी बनाऊंगा। तो मिलते हैं अभी फिलहाल खाना खाने के बाद। फाइनली दर्शन कर लिए और हम निकल चुके हैं भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए, भैरव बाबा की चढ़ाई करेंगे, वहाँ का व्यू दिखाएंगे आपको जबरदस्त वाला, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है भैरव बाबा का। और क्या ही बोलूँ, पूरी यात्रा का जो सबसे बेहतरीन व्यू है फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने के लिए, वीडियो क्लिक कराने के लिए, वो भैरव बाबा का ही है, जाकर दिखाऊँगा। जो लोग आए हुए होंगे वो जानते हैं इस प्रकार का व्यू रहता है। धूप निकली हुई है, अगर धूप वगैरह निकली हुई है तो बहुत ही ज़बरदस्त वाले फ़ोटो और वीडियोज़ आने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया वीडियो आने वाली है, जुड़ रहिएगा वीडियो को एंड तक, बस ख़त्म ही होने वाली है, ज़्यादा बोर मत लीजिएगा, बोर होने वाला ऐसा काम तो है नहीं, लेकिन फिर भी
वीडियो में जुड़े रहिएगा लास्ट तक। एक घंटे फिर से पैदल चलने के बाद हम आ गए हैं भैरव बाबा और दर्शन भी कर लिए। देखिए आपको भी दिखाता हूं, ये है पीछे भैरव बाबा, अक्षय के पीछे बिल्कुल अक्षय भी फ्रंट में, ये है भैरव बाबा का मंदिर। अब जो यहाँ की सबसे बेहतरीन चीज है वो दिखाने वाला हूँ, वीडियो में जुड़े रहिएगा। ये है सामने भैरव बाबा का व्यू पॉइंट, इससे बढ़िया कोई व्यू पॉइंट नहीं है कहीं पर भी पूरी यात्रा में। देखिए कितने लोग हैं, एकदम ओपन व्यू पॉइंट है। कितनी फोटोग्राफी कीजिए, वीडियोग्राफी कीजिए, बेहतरीन वाला व्यू पॉइंट है। देखिए पहाड़, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, जबरदस्त। देख सकते हैं धूप बढ़िया खिली हुई है। ये है पीछे भैरव बाबा जी का मंदिर, आप देख सकते हैं ये भैरव बाबा का मंदिर, और यहाँ है ये बिल्कुल व्यू पॉइंट। जो लोग यहाँ पर आए होंगे उन्होंने बिल्कुल देखा होगा पहले से, वो जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं आए हैं मैं उनसे सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो ऐसे यात्रा कीजिएगा कि आप यहाँ पर दिन में पहुँच पाएँ, चाहे कैसे भी कीजिएगा दिन में आइएगा, तभी आपको यहाँ की लोकेशन का और यहाँ के व्यू का मज़ा आने वाला है। देखिए कितना बड़ा एरिया है, काफ़ी बड़ा, कम से कम 200 से 400 लोग यहाँ पर अभी भी अवेलेबल हैं, बैठे हैं। ओहो पहाड़ों का व्यू पॉइंट दिखा देता हूँ, देखिए आपको यहाँ से खुल्ला, नहीं कूदना नहीं है, अक्सर कूदना नहीं है, ये हमारे लाला जी दुखी हैं घर वालों से। यहाँ से भवन दिखेगा और ये रहा नीचे खाई, देख लीजिए गहरी। भैया वो वीडियो में नहीं होगा, वो फोटो में होगा, अभी दिखाता हूँ। ये था व्यू पॉइंट भैरव बाबा का, अब तक का सबसे और मेरे हिसाब से पूरी ट्रैवल का, पूरी यात्रा का सबसे बेहतरीन व्यू पॉइंट। फाइनली कल रात 8 बजे के समथिंग यात्रा पूरी कर ली थी, होटल पर आ गए थे, लेकिन मोबाइल भी पूरा डाउन था और थके भी कुछ ज़्यादा थे, पैर वगैरह थक गए थे, आते ही सो गए, पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। और जब आँख खुली तो बजा हुआ था रात का 1, तो वीडियो शूट नहीं कर पाया, लेकिन अब फिलहाल नहा धोकर सुबह फिट हो गए हैं। कंडीशन अब ये है कि प्लान था शिवखोड़ी जाने का, लेकिन एक साथी की, जो साथ में थे हमारे, उनकी हो गई तबीयत ख़राब, तो शिवखोड़ी का प्लान अब कर दिया गया है कैंसिल, और अभी जा रहे हैं फिलहाल हम स्टेशन, कल आज शाम की है ट्रेन, वहाँ से जाएंगे वापस। फिलहाल अभी जम्मू के लिए निकल रहे हैं हम। और फाइनली बस इतना ही था इस ब्लॉग में, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार जुड़े हों, वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा कौन सा पार्ट अच्छा है। बहुत सारी वीडियो आने वाली है, एक ही नहीं है, एक खाली ब्लॉग ही नहीं है, काफ़ी सारी वीडियो बनाने का प्रयास किया है, तो सभी वीडियो को चेकआउट करिएगा, लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। डे बाई डे डलेंगी सारी वीडियो, एक साथ तो नहीं अपलोड करूँगा लेकिन डे बाई डे डलेंगी। तो फिलहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सब्सक्राइब एंड स्टे मेंबर ऑफ माई यूट्यूब चैनल गेमर वकील। फिलहाल आ गए हैं कटरा से वाया ट्रेन जम्मू, और यहाँ करेंगे पूरे दिन इंतजार क्योंकि रात की है हमारी ट्रेन, पूरा दिन यहीं घूमेंगे जम्मू वगैरह में। कोशिश करेंगे कुछ और नया करने की, वैसे यहाँ पर परमिशन नहीं है कैमरा यूज़ करने की, बहुत ही जो है पड़ रही यार सामने से, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सकता है यहाँ पर। पिछली बार भी जब आए थे जब भी उन्होंने कैमरा यूज़ करने के लिए मना कर दिया था, फिलहाल इसीलिए ट्रेन से उतरते ही, ट्रेन इसमें से उतरे हैं, उतरते ही वीडियो बनाई है ताकि कोई परेशान ना करे, बाद में मना ना करे। हाँ तो गए हैं, आप देखिए शाम तक कैसे कटेगा समय, शाम तक का समय काटना बहुत भारी है, कोशिश करेंगे कुछ नया बनाने की, तब तक के लिए टाटा।